लोकसभा चुनाव से पहले मायावती को बड़ा झटका लगा है। बिजनौर से सांसद मलूक नागर ने बीएसपी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी ने इस बार बिजनौर सीट से नागर का टिकट काटकर चौधरी बिजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। मलूक नागर के पहले ही बसपा छोड़ने की खबरें आई थी, लेकिन बिजनौर से टिकट कटने के बाद उन्होंने अब अपना इस्तीफा मायावती को भेज दिया है। नागर की पत्नी और बड़े भाई लखीराम नागर ने भी बसपा छोड़ दी है। बसपा को अलविदा बोलने के कुछ देर बाद ही मलूक नागर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखे। मलूक नागर जयंत चौधरी की मौजूदगी में राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए। जयंत ने मलूक के हाथ में हरी डोरी बांधकर उनका पार्टी में स्वागत किया। मलूक नागर ने राष्ट्रीय लोकदल में शामिल होने पर कहा कि साल 2006 से मैं बसपा में हूँ। ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड है क्योंकि 18 साल तक बसपा में कोई और नहीं टिका। बसपा में एक डेढ़ योजना में लोग या तो पार्टी से निकाल दिए जाते हैं या तो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। 2022 में मैंने विधायक चुनाव नहीं लड़ा, 2024 में सांसद चुनाव भी नहीं लड़ा। घर में बैठकर देश के लिए काम ना करें, ये ठीक नहीं था। 40 सालों से मेरे घर में मेरे बड़े भाई कई बार विधायक रहे, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रहे, मिनिस्टर रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरी वाइफ चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रही, मैं विधायक रहा और मैं एमपी हूँ। पहली बार ऐसा हो रहा है जब हम ना एमएलए लड़े ना एमपी लड़े हैं। देश के लिए कुछ करना है, 39 साल का हमारा पिछला बैंक बैलेंस है हमारे पास, तो घर में तो नहीं बैठ सकते, तो इसलिए आज इस्तीफा हमने दिया। इस्तीफा देने का वजह, बुनियादी वजह क्या है? बीएसपी से आपका जो मोह भंग हुआ, स्वाभाविक तौर पे कुछ ना कुछ कारण रहा होगा जिसके वजह से आपको बड़ा फैसला लेना पड़ा और पार्टी से छोड़ना पड़ा। इसका जवाब ये दे सकते हैं कि बीएसपी के इतिहास में ये रिकॉर्ड है कि या तो एक टर्नओवर में कुछ दिनों के बाद निकाल दिया जाता है या पार्टी छोड़कर चला जाता है। हम 18 साल रहे करीब, और राजनीतिक हमारा जो परिवेश है और सामाजिक जो परिवेश है या राजनीति करने के लिए जो परिवेशों की जरूरत पड़ती है, जहां से मैं एमपी हूं, वो हिंदू मुस्लिम जो झगड़ा हुआ था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कवाल गांव में मेरी लोकसभा में है, उन सारी हैसियत का एक भी आदमी या तो छोड़ करके चला गया या उसको पार्टी से निकाल दिया है। 18 साल लगातार रहे, ये हमारा रिकॉर्ड है। हमने कई बार कड़वे घूंट भी भरे, चुप रहे, एमएलए नहीं लड़ाया गया चुप रहे, एमपी नहीं लड़ाया गया चुप रहे, स्टार प्रचारकों में भी सूची में नहीं डाला गया चुप रहे, लेकिन देश के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, इसलिए आज मजबूरी में पार्टी छोड़नी पड़ रही है, कहीं नया घर तलाशेंगे। हाँ, जो आपने अच्छी बात कही कि देश के लिए आप कुछ करना चाहते हैं और नया घर तलाश रहे हैं, वो घर कौन सा होगा? भाजपा का घर है, आरएलडी का घर है, कहाँ कौन सा घर? पूरे देश में पहले 29 प्रदेश थे, भी 28 कहो या जम्मू कश्मीर को अलग अलग कहो, 30 प्रदेश कहो, सब में मेरे समर्थकों ने पेज बनाए हुए हैं, 4 लाख, 2 लाख, 3 लाख सब पे फॉलोवर हैं, तो सारे लोगों से चर्चा करके सलाह मशवरा करके जहां वो कहेंगे और फिर पार्टियों में बात करके जहां हमारा तालमेल बैठेगा जल्दी आपको सूचना दे देंगे। एक सवाल और कि क्या लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे इस बार? अभी तो ये मेरे हाथ में होता एकदम मैं तो लड़ता, और अभी तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा चरण, छठा चरण, सातवां चरण काफी बाकी है, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। बहुत मजबूती मिलेगी हमारी इमीडिएट 2024 के लोकसभा कैंपेन को, मदद मिलेगी एनडीए को, बहुत मदद मिलेगी सभी जगह प्रत्याशियों के लिए, आप संपर्क करेंगे और पूरी ताकत लगाएंगे। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।